हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और सब आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ कि सिलाई संबंधित एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए, अपना खुद का बिजनेस चालू करने के लिए मैं आपको बताऊँगा। आप सिलाई से ये काम कर सकते हैं, और आपकी अगर दुकान है तो भी कर सकते हैं, और आप घर पे काम करते हैं तो भी इस काम को कर सकते हैं। उन माताओं बहनों के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये काम है कि जिनको सिलाई का पूरा काम नहीं आता है, वो नॉर्मल अपना काम चलाती हैं कि घर पे फटी हुई पैंट की सिलाई लगा दी, शर्ट के लगा दी, और उनके लिए जो कि नॉर्मल काम करती हैं या फिर किसी के पास में वो काम करने के लिए जाती होंगी, उनके लिए विशेष कर है ये कि अपना खर्चा खुद करके वो अपना खर्चा कमा सकती हैं और अपना खुद का इन्वेस्ट कर सकती है। वो अच्छे से 300 से 50, 350 रुपये वो कमा सकती हैं दिन के। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अपना एक पेटीकोट हो गया, पेटीकोट जो है वो हर लेडीज उसको यूज़ करती है, हर लेडीज़ पहनती है। 100 में से 95% जो लेडीज़ है वो पेटीकोट पहनती है, और 5% मान लो कि देहाती गांव के अंदर है तो बहुत कम यूज़ करती हैं। लोट का थान लीजिए, इसके अंदर 5 कलर से इसको शुरुआत कीजिए। सबसे पहले जैसे कि आपने 5 कलर ले आए, और 5 कलर के अंदर आपने एक एक थान लेके आ गए उनका लोट का माल, होलसेल दुकान से आप खरीदे इसको मार्केट में। फिर उसको आप घर पे बनाइए 10-10 पीस। जैसे कि 5 कलर अपने हैं तो उनके 10-10 पीस बना के आप रख लीजिए। फिर आप उसको मार्केट के अंदर सेल करिए, जहाँ पे रिटेल की दुकान है उनके पास जाइए, और उनको आप ये सेलिंग कर सकते हैं। वो आपको परसेंट के हिसाब से उनके ऊपर दे देगा, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। वो आप उसका पूरा कैलकुलेशन निकाल के, आप गणित लगा के और इसको चालू करें। या फिर दूसरा काम है, इसको अपना खुद का काम करके और बड़ा काम भी कर सकते हैं। आप अपना ये बिजनेस होलसेल के अंदर कर सकते हैं आराम से। तो उसके लिए अपने को करना पड़ेगा कि जैसे पहले नॉर्मल चालू करेंगे, जैसे कि 20 कलर आ गए, 15 कलर आ गए, 25 कलर आ गए, उनके अपने को फुल फीस ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि नॉर्मल कपड़ा लेना है, उनका फुल लेना है अपने को। जैसे कि ज़्यादा नहीं तो दो दो थान करके ये ले सकते हैं, और फिर उसको बनाइए, और फिर उसको होलसेल में एक छोटा शॉप डालिए और वहाँ से उसकी सेलिंग करें। तो इस तरह भी ये काम चल सकता है। फिर दूसरा है, अपनी जैसी लेडीज़ की शॉप है मार्केट के अंदर, तो वो इसको बना के रख सकती है, और वहाँ पे लेडीज जो आए उनसे बोले कि हमारे पास पेटीकोट सिला हुआ रेडीमेड उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। तो उसका कैलकुलेशन निकाल के उस हिसाब से उसको परसेंटेज के हिसाब से दीजिए। और फिर या फिर साड़ी वाला जो होता है, साड़ी सेंटर की दुकान होती है कपड़े की, उसके ऊपर भी आप इसको दे सकते हैं, या फिर वहाँ पे अपना एक बोर्ड बनवा सकते हैं उससे बातचीत करके साड़ी वाली दुकान वाले से, क्योंकि वो तो पेटीकोट रखता भी नहीं है। तो उसके पास एक बोर्ड लगाइए, यहाँ पे पेटीकोट सुविधा उपलब्ध है, वो भी आपको कुछ परसेंट के हिसाब से देगा पैसे, और वो आपके माल ज़्यादा खरीदेगा, पेटीकोट आपका जो है वो ज़्यादा ले लेगा। इस तरह भी ये काम कर सकते हैं, या फिर अपन खुद भी रिटेल इसकी कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर सिलाई की दुकान है या फिर अपनी कपड़े की दुकान है, और सिलाई का काम अपने आता है, और कपड़े की दुकान अपनी ऑलरेडी अगर मार्केट में है, तो उसके ऊपर भी आप ये सेल कर सकते हैं इसकी। तो इस आधार पे पेटीकोट जो है ये सिलाई संबंधित जुड़ा हुआ है, और इसको चाहे जो कर सकते हैं, जेंट्स भी लेडीज़ भी, हर आदमी इसको कर सकता है। और फिर दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जिसको ऑलरेडी फुल सिलाई नहीं आती है, तो वो आदमी अपना खर्चा इसके अंदर निकाल सकता है आसानी से। 250 से 300 रुपये वो आराम से इसके अंदर साइड बिजनेस की तरह इसको पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, इसके अंदर वो कमा सकता है। जैसे कि नॉर्मल काम है कि जैसे किसी मास्टर के पास में कारीगरी करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए, तो वहाँ पर जैसे कि 300 रुपये का काम मिला आज, तो फिर वो 300 रुपये का काम करके उसके पास समय काफ़ी बच जाता है, तो वो घर पर आके अपना ये साइड बिजनेस कर सकता है। जैसे कि आने के बाद में उसने 10 पीस बना दिए, 15 पीस बना दिए, उनके अच्छे से पैकिंग करें पॉलीथीन के अंदर, और फिर उसको रिटेल की दुकान के ऊपर वो सेल करें। एक्स्ट्रा अपना काम ये कर सकता है। सिलाई सीखने वाले के लिए भी अच्छा है, और जो ऑलरेडी सिलाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये काम अच्छा है। सिलाई से ये काम भी चालू हो सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, मेरा दोस्त था, काफ़ी साल पहले की बात हो गई, हम दोनों साथ में सिलाई सीखा करते थे एक ही साथ, करीबन ये बातें हो गई हैं 2008 की लगभग। तो वहाँ पे उसने सिलाई सीखी, और बाद में काफ़ी दिनों तक हमने दूसरे मास्टर के पास भी काम किया,
तो वहाँ से काम करते करते उसकी जो मम्मी थी वो घर पे काम किया करती थी सिलाई का, और वहाँ पे उसने वो नॉलेज दिया अपने बेटे को कि ऐसे ऐसे मुझे कपड़े का माल ला के दो, थान ला के दो, लोट का माल, और मैं ऐसे ऐसे पेटीकोट बनाऊंगी और फिर इनको ऐसे आप सेल करके आना रिटेल की दुकान पे ऐसे। तो आज उसके पास में करीबन 15 से 20 लेडीज़ काम कर रही हैं, और वो अपनी खुद की फैक्ट्री डाल रखी है, यानी कि 15 आदमियों को वो खुद रोज़गार दे रहा है और उसमें से खुद भी बचा के अपना घर गृहस्थी चला रहा है आराम से। तो ऐसे करके भी ये काम हो सकता है, इसका अपना खुद का फैक्ट्री की तरफ ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा लंबा ज़रूर लगेगा, लेकिन लाइफ टाइम का बिजनेस है।